हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल बेटा अपना चैप्टर नंबर थ्री आज स्टार्ट करेंगे अमाल कमीशन ऑफ फॉर्म ऑलरेडी चैप्टर नंबर वन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सेकंड पाइसिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश हमने कर दिया था थर्ड जो चैप्टर है बेटा अमाल कमीशन ऑफ फॉर्म आज क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सर अमाल कमीशन ऑफ फॉर्म्स का मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपको आपने ट्वेल्थ में एक चैप्टर किया था सर डिजोल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यस सर तो सेम टू सेम वही चैप्टर है आपको याद होगा देखो असेट्स ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट टू वेरियस अगर सेम ही सब कुछ एंट्री सब कुछ सेम है जैसे आपने डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ट्वेल्थ में किया रहेगा ए टू जेड सारी चीज सेम है बस यहाँ पर खाली थोड़ा आपको क्या हो जाएगा फर्क दिख जाएगा सबसे पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं आपको क्लियरली पता चल चलिए अमाल कमीशन क्या होता है ऑब्जॉर्बशन क्या होता है और क्यों अमाल कमीशन होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमाल कमीशन सब कुछ हम क्या करेंगे यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और साथ में कुछ जर्नल एंट्री वगैरह है नाइन जर्नल एंट्री बस नवी जर्नल एंट्री याद रखो ऐसे तो बहुत सारी जर्नल एंट्री सारी याद रखने की जरूरत नहीं है और एक परचेज कंसिडरेशन देख लेंगे आज के पार्ट में तो इसके बाद जब सम करें ना आपको क्लियरली थोड़ा सा दिमाग में रहेगा व्हाट इज अमाल कमीशन कैसे क्या करना ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बेटा अमाल कमीशन का मीनिंग की बात कर दे तो अमाल कमीशन मींस क्या लिखा है कॉम्बिनेशन और क्या लिखा है मर्ज सर सिंपल सी बात है दो चीज़ को क्या कर रहे हैं मर्ज कर रहे या तो दोनों जन का क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर कॉम्बिनेशन सिंपल सी बात है अमाल कमीशन का मतलब सिंपल सी बात है सर ए और बी है कंपनी ए एंड को कंपनी है एंड दूसरी कंपनी है बेटा बी एंड को तो ए क्या हो रहा है दोनों जन मिलके ए और बी दोनों जन सोच रहे काम करते ना तू भी अकेला बिजनेस करा मैं भी अकेला बिजनेस करता हूं चल दोनों साथ में बिजनेस करते तो ठीक है ना तो यहां पर क्या हो गए नई कंपनी क्या हो गई ए बी एंड को समझ में आ रहा है बेटा ए और ए, ए को कर रही है बी एंड को दोनों अलग अलग कंपनी दोनों जन ने डिसाइड किया चल एक साथ में क्या करते हैं मिलके बिजनेस करते जैसे आपने देखा रहेगा देना बैंक और बैंक ऑफ बरोड़ा पहले क्या थी देना बैंक अलग थी बैंक ऑफ बरोडा अलग थी अभी क्या हो गया बैंक ऑफ बरोडा ने क्या कर लिया देना बैंक को क्या कर लिया पूरा का पूरा खरीद लिया के लिए उसको बोलते हैं सर अब्जॉर्बशन बोला जाता है मतलब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को क्या करिए खरीद लेती है उसके बारे में आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन अमाल कमीशन ऑफ फॉर्म टू फॉर्म देखो क्या बोल रहे टू फॉर्म टू फॉर्म मतलब कौन सी ए एन को बी एन को टूगेदर गेट अ क्या लिखा है वेरियस एडवांटेजेस सच क्या लिखा है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन सिंपल सी बात है दो कंपनी मिल जाएगी तो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगा अवॉइड कॉम्पिटिशन सिंपल सी बात है कोका कोला और पैप्सी पैप्सी दोनों जन मिल गए तो कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाएगा अभी तो बिग कोला आ गया इंक्रीजिंग एफिशिएंसी सिंपल सी बात है वर्क की जो एफिशिएंसी रहेगी वो भी बढ़ेगी एक्सपांशन सिंपल सी बात है दो लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो क्या हो जाए एक्सपांशन भी बड़ा होगा एंड सो फॉर्म में भी लेके क्या कॉम्बाइन इन टू वे सबसे पहले क्या बोल रहे अमाल कमीशन इन विच अमाल कमीशन का मतलब क्या होता है इन विच न्यू फॉर्म इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द ओल्ड फॉर्म क्या बोल रहे हैं बेटा अमाल कमीशन इन विच क्या बोल रहे न्यू फॉर्म इसका लिखा है फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ओल्ड फॉर्म मतलब क्या हो रहा है न्यू फॉर्म फॉर्म करे और जो अपना ओल्ड फॉर्म है उसका बिजनेस क्या करे टेक ओवर कर रहे यहां पर क्या आता है बेटा और अब्जॉपन इन विच एग्जिस्टिंग फॉर्म क्या करे एग्जिस्टिंग कोई फॉर्म है टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ओल्ड फॉर्म मतलब कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो क्या कर रहा है ओल्ड फॉर्म का बिजनेस क्या कर रहा है टेक ओवर कर रहा है क्लियर है उसे क्या बोलेंगे ऑब्जॉर्न बोलेंगे तो यहाँ पर उसके बारे में एग्जाम्प एकदम डिटेल में एकदम एग्जाम्पल दिया है आपको क्लियरली समझ जाएगा फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या बोल रहे हैं इफ द बिजनेस ऑफ ए बी सी इनको किसका बिजनेस ए बी सी इज टेकन ओवर बाय द ये क्या कर रहा है नई फॉर्म न्यू फॉर्म को टेकन ओवर कर रहा है किसको टेकन ओवर कर रहा है बेटा एक्स वाई जेड को टेकन ओवर कर रहा है इट्स समझ में आ रहा है बेटा ए बी सी मिस्टर ए बी सी एन को किसको खरीद रहा है बेटा किसको खरीद रहा है मिस एक्स वाई जेड को क्या कर रहा है ए बी सी खरीद रहा है क्लियर है तो इसको क्या बोलेगे सर अमाल कमीशन अभी इट इज अ बिज़नेस इज टेकन ओवर बाय द एग्जिस्टिंग फॉर्म क्या बोल रहे हैं इफ सपोज अभी यहां पर उल्टा इफ द बिजनेस ऑफ ए बी सी एन को ज बिजनेस इज टेकन ओवर बाय द एग्जिस्टिंग फॉर्म किसको कर रहा है बेटा पी क्यू आर को खरीद रहा है ये क्या है एग्जिस्टिंग फॉर्म मतलब ए बी सी एंड को किसको खरीद रहा है बेटा पी क्यू आर एंड को को खरीद रहा है सर ये एक्स वाई जेड तो कौन सा फॉर्म था न्यू फॉर्म था ये तो क्या है एग्जिस्टिंग पुराना बिजनेस है ये ए बी सी का भी बिजनेस है वो क्या कर रहा है पी क्यू आर पुराना एग्जिस्टिंग को खरीद रहा है उसे क्या बोलेंगे सर ऑब्जॉर्प्शन बोलेंगे मतलब ये बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी को खरीद रही है उसके क्या बोलेंगे ऑब्जॉर्प्शन करते हैं और दो सिमिलर कंपनी है मिलकर एक नई बिजनेस चालू कर जा तो दो सिमिलर बिजनेस एक दूसरे को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं सर अमाल कमीशन बोलते हैं अभी यहाँ पर सिंपल सी बात है द ओल्ड फॉर्म विच इज टेकन ओवर कौन टेकन ओवर कर रहा है ए बी सी इज ऑन द अबो एग्जाम्पल इस नॉनेस क्या बोला जाएगा वेंडर क्या बोला जाएगा वेंडर्स फॉर्म

और ये क्या हो गई सर अपने लिए परचेजिंग फर्म हो जाएगी इसका पूरे चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है बस खाली समझ में आना चाहिए सर अमाल कमीशन किसको बोलते हैं ऑब्जॉपशन किसको बोलते हैं क्लियर है इतना पता होना चाहिए अमाल कमीशन का मतलब क्या रहेगा दो फर्म है मिलकर तीसरा फर्म चालू हो गया तो अमाल कमीशन का तो होगा एक बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी को खरीद रही है तो उसे क्या बोला जाएगा अब्जॉर्प्शन बोला जाएगा अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमाल कमीशन सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्लियर टू अवॉइड कंपटीशन जाहिर सी बात है सर कंपटीशन खत्म हो जाएगा दो जन मिलके बिजनेस करेंगे कंपटीशन खत्म हो जाएगा टू हैव क्या लिखा है मोनोपोली इन द क्या लिखा है पर्टिकुलर ट्रेड एक में मोनोपोली आ जाएगा चलो हम दोनों यही बिजनेस कर रहे थे हम जो प्राइस बोलेंगे उस प्राइस पे देना पड़ेगा जैसे अभी आपको पता रहेगा को पेप्सी कोको कोला -को अरे अठानी की ड्रिंक होती है चालीस रुपये में हम क्या कर रहे है? पे कर रहे क्लियर है दो लीटर की बोतल आपको पता होगा कितने की एट्टी फाइव सेवन नाइन्टी रुपीज़ की आती है एक रुपया बनाने का कॉस्ट एक रुपया होता है हम कितने में खरीदते हैं बेटा नब्बे रुपये में खरीदते हैं मतलब एट्टी नाइन गुना मार्जिन होता है उसमें टू हैव क्या लिखा है मोनोपोली इन अ पर्टिकुलर ट्रेड उसमें मोनोपोली आ जाएगा टू है क्या लिखा है डुप्लीकेशन ऑफ क्या लिखा है फिक्स एक्सपेंस टू क्या लिखा है टू अवॉइड अ डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन का मतलब क्या रहेगा एक ही एक ये भी उस खर्चे को दे रहा था ये भी खर्चे को तो अभी दोनों मिलके एक ही खर्चा देगा जैसे दो लाइसेंस बनाना पड़ा दो कंपनी है तो दो लाइसेंस बनेगा तो इसका भी लाइसेंस दे इसका भी दोनों गवर्नमेंट को तो फायदा हो जाएगा दो कंपनी एक हो गई चलो एक कई पैसा देना है समझ में आ रहा है जो वर्कर अलग अलग काम कर रहे थे जैसे एडवर्टाइजिंग इसकी भी एडवर्टाइजिंग इसकी भी अभी खत्म हो गया ना बेटा अभी एक ही एडवर्टाइजिंग करो खत्म हो गया यहाँ पर टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ फिक्स एक्सपेंस जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया एंड टू कैन रिड्यूस द मैनेजमेंट एक्सपेंस कुछ भी जैसे सिंपल सी बात है वर्कर है वर्कर को आठ घंटा आठ घंटे में सिंपल सी बात है अपने पास काम करे छः ही घंटा काम करे दो घंटा तो बैठे रह रहे हैं उसके साथ दोनों कंपनी मिलकर लोड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसको प्रेशर आएगा यार अभी नहीं करेगा तो मेरे को निकाल दिया जाएगा तो प्रेशर के कारण भी क्या होगा अपना मैनेज मेंग, रिड्यूस मैनेजमेंट में एक्सपेंस भी कम हो जाएगा क्योंकि दो कंपनी में अलग अलग स्टाफ काम कर रहे उसको भी पैसा दो उसे चाहे एक ही कंपनी में काम करो खर्चा बच जाएगा टू क्या लिखा है यूनि, यूनिट टू यूनिट पर्सन टू क्या लिखा है वे, वेरिंग स्किल फॉर द क्या लिखा है एफिशियंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सर इसका मतलब क्या रहेगा यूनिट पर्सन टू वेरिंग स्किल फॉर द क्या लिखा है एफिशियंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस मतलब सिंपल सी बात है सर दोनों में अलग अलग स्किल रहेगी मिलकर क्या होगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं अकाउंट्स अच्छा पढ़ाता हूँ कोई थियरी सब्जेक्ट वाला रहेगा दोनों जो मिलकर आ गए तो अकाउंट्स और थियरी मतलब क्या होगा एक अलग ही लेवल का क्या हो जाएगा बूस्ट मिलेगा गेट मोर कैपिटल सिंपल सी बात है दो बिजनेस आएगा तो मोर कैपिटल फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस सिंपल सी बात है दो लोग बिजनेस करेंगे मोर कैपिटल टू हैव लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस टू इन्जॉय द बेनिफिट ऑफ द लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस होगा बेनिफिट भी मिलेगा लार्ज स्केल ऑफ क्या मिलेगा बेनिफिट मिलेगा सबसे पहले सर यहाँ पर समझते हैं परचेज कंसिड्रेशन सर परचेज कंसिड्रेशन का मतलब क्या होता है क्या प्राइस में कंपनी खरीद रही जैसे मैंने बताया था दो कंपनी ए एन को बी एन को ये दोनों क्या करे मिल खरीद रहे और ये दोनों को कौन खरीद रहा है सर मैंने बताया ए बी एंड को मिल के क्या हो रहा है नई बिजनेस स्टार्ट हो रही है ये दोनों कौन है ओल्ड कम है ओल्ड फर्म है ये दोनों क्या हो रहा है बिकने के लिए तैयार है और कौन खरीद रहा है बेटा ए बी एन को तो ए एन को का असेट्स एट रिवाइज वैल्यू रिवाइज वैल्यू का मतलब क्या रहेगा बेटा न्यू वैल्यू कौन सी प्राइस पे क्या करें असेट्स को बेच रहे लेस लाइबिलिटी पेबल कौन सी प्राइस पे लाइबिलिटी और टोटल जो आएगा वो क्या मिलेगा परचेज कंसिड्रेशन हमें मिल जाएगा मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटी करो तो क्या मिलेगा परचेस कंसिड्रेशन मिल जाएगा कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिड्रेशन बहुत ही सिंपल है सम करेंगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा क्लियर है बहुत ही सिंपल है सर परचेस कंसिड्रेशन कैसे मिलेगा असेट्स लेस लाइबिलिटी क्या मिल जाएगा परचेस कंसिड्रेशन आपको मिल जाएगा कैसे आप एक पहला सम देखना आपको पता चल जाएगा सर जर्नल एंट्री जैसे मैंने बताया डिजॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो जर्नल एंट्री थी ना सेम टू सेम यही है पहला क्या बोल रहे बेटा असेट्स ट्रांसफर सर असेट्स असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड आपको पता होगा सर क्या मैंने बताया असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड लाइबिलिटी ऑलवेज कौन सी साइड होता है क्रेडिट साइड रह है बेटा सर असेट्स को ट्रांसफर करना डेबिट है ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट सिंपल सी बात है ये चीज मेरे पास है मेरे पास है मतलब डेबिट है ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट तो सिंपल सी बात ट्रांसफर करना है सर पहला एंट्री क्या रहेगा ट्रांसफर ट्रांसफर सर डेबिट है करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट की नाम आ जाएगा सेम एज अटी लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट है क्रेडिट है ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा डेबिट तो क्या आएगा वेरियस लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा सर रियलाइजेशन अकाउंट का नाम रहेगा क्लियर है सिंपल है असेट्स ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट टू वेरियस असेट लाइबिलिटी ट्रांसफर तो वेरियस लाइबिलिटी अकाउंट टू रियलाइज अभी परचेस कंसिड्रेशन ड्यू मतलब जो हमने यहाँ पर परचेज कंसिड्रेशन निकाला था ना ये वाले वो पैसा ड्यू है अभी तो बाकी है ना तेना परचेज कंसिड्रेशन ड्यू बाकी है तो क्या रहेगा न्यू फॉर्म न्यू फॉर्म कौन सी थी बेटा यहाँ पर अपने लिए जैसे मैंने बताया ए बी एंड को न्यू फॉर्म मतलब परचेजिंग फॉर्म जो भी परचेज करे परचेजिंग फॉर्म अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट का नाम रहेगा रहे जैसे इसमें हमने देखा था कौन सी दो परचेजिंग फॉर्म कौन सी थी बेटा यहाँ पर जो भी आया था आपको पी क्यू आर एस और मिस्टर एक्स वाई जेड और टू न्यू फॉर्म का किसका नाम आ जाएगा बेटा नाम आ जाएगा क्लियर है आपको परचेजिंग फॉर्म तो यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर रियलाइजेशन अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा क्लियर है चेजिंग फॉर्म अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा अट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर तो क्या रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्सिटल लाइबिलिटी ओवर बाय द पार्टनर तो उल्टा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल सर को टेकन पार्टनर्सिटल जा रहा है ना बेटा डेबिट द रिस असेट जा रहा है डेबिट द रिसीवर रिसीवर कौन रहेगा पार्टनर्स और यहाँ पर लाइबिलिटी को पे करना होता है तो क्रेडिट द गिवर असेट्स में क्या होता है डेबिट द रिसीवर होता है क्योंकि असेट्स को क्या करे रिसीवर लाइबिलिटी को पे करना होता है क्रेडिट द क्या हो जाएगा बेटा गीवर तो यहां पर गीवर कोसेट्स asset, को बेचेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कहेगा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश क्योंकि अभी सर यहां पर असेट्स का नाम क्योंकि असेट्स को हमने कहा लिख दिया था रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा था क्लियर है अभी प्रॉफिट होगा तो सर प्रॉफिट होगा तो आपको पता रहेगा सर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में और लॉस कहाँ चला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा डेबिट में और नाम किस का रहेगा रियलाइजेशन का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा क्लियर है सेम एज अ सिंपल से एक बता रहे सपोज ये रियलाइजेशन अकाउंट है क्या है रियलाइजेशन अकाउंट है सर अगर प्रॉफिट का भी होगा ये मेरा एक्सपेंस है ये मेरा क्या है सर इनकम इनकम ज्यादा रहेगा तभी प्रॉफिट होगा मतलब इनकम साइड ज्यादा है यहाँ पर इनकम साइड का टोटल यहाँ पर भी ज्यादा एक्सपेंस साइड का टोटल माइनस कर दो ये मेरे को क्या हो जाएगा सर प्रॉफिट मिला ये प्रॉफिट कहाँ जाता है सर इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड चला जाएगा और डेबिट में कौन से रियलाइजेशन पर सपोज एक्सपेंस साइड ज़्यादा है अभी उल्टा हो गया एक्सपेंस साइड क्या है ज़्यादा इनकम साइड कम है तो ये मेरे को क्या हो गया लॉस हो गया लॉस कहाँ आया बेटा लॉस कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में किसका नाम था रियलाइजेशन अकाउंट का नाम था क्लियर है ये नवों की नवो एंट्री बेटा मैंने आपको पीडीएफ दे दी गई है बस खाली एक बार क्या करना बेटा अब लिख देना आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियर है बाकी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर आप एक बार खाली पढ़ लोगे ना बेटा तो एकदम ईजिली सारी चीज़ आपको क्या हो जाएगी समझ में आ जाएगी यहाँ पर सर इसकी पी डी एफ कहाँ मिलेगी बेटा हमारा एप्लीकेशन है अकाउंट्स बाय हिमल सर वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा बेटा एक बार पढ़ लेना क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियर है चलो सर यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर क्या करते हैं ख़त्म करते हैं आशा करूँगा बेटा आपको सब कुछ समझ में आ गया रहेगा आगे डायरेक्ट सम स्टार्ट कर देगी क्लियरली आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट